कैसा लगा यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपका एक्सपीरियंस है तो क्या आप शेयर कीजिए? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैम आपको इन्जॉय लग रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। रेनबो सेवन चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी नमस्कार। टूरिस्ट के लिए सबसे पहले लेटेस्ट जानकारी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले उपलब्ध करवाने वाले चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आपको इस वीडियो में अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर अवस्थित लाहौल का शिशु विलेज, जिसको टूरिस्ट विलेज कहते हैं, और वहाँ कितनी बर्फ़ है यानी स्नो कितनी है और वहाँ कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है वो भी दिखाएंगे। हमारे चैनल रेनबो सेवन के द्वारा एक नया एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं या एक नया शुरुआत बोल सकते हैं, यानी कि जो आने वाले टूरिस्ट हैं उनका यहाँ के बारे में चैनल के प्रति और हमारी सेवाओं के प्रति क्या राय है, यानी कि आप टूरिस्ट की राय भी सुन सकेंगे। जैसा कि हमने इंट्रो के अंदर स्टार्ट में आपको थोड़ा सा झलकी दिखाई, वो पार्ट इसमें फुल में दिखाने वाला हूँ। और हर वीडियो में कुछ न कुछ जो टूरिस्ट हमसे संपर्क में आएंगे, चैनल के सब्सक्राइबर हो या ना हो, उनसे ज़रूर एक इंटरव्यू छोटा सा लेंगे और उसमें हम अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि सोलांग वैली में बर्फ़ है या नहीं। इस समय सोलांग वैली में बर्फ़ नहीं है, यानी कि स्नो एक्टिविटी करने के लिए बर्फ़ नहीं है, ऊपर तो है नीचे नहीं है। और यह लाहौल का शिशु विलेज है और यहाँ का बर्फ़ आप देख सकते हैं, इसलिए टूरिस्ट है सोलांग वैली से यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। और यहाँ बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है, ज़्यादा तो नहीं है, बहुत सारी मैं ज़्यादा बोल गया। यहाँ एक ट्यूब राइडिंग हो रही है और स्कीइंग हो रही है और स्नोमैन बनाना और फ़ोटो खिंचवाना आदि आदि हो रहे हैं। और अब आपको बता दें कि यहाँ मौसम तो ठंडा है और यह ठंडक मैं आशा करता हूँ कि आप तक पहुँच गई होगी, यानी आप पहाड़ की या हिमाचल की याद इस ठंड से आ रही होगी। तो आप लिख भेजिए यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं और आपका शहर का, अपने गांव का टेम्परेचर कितना न्यूनतम है, वो लिखकर भेजना है, जिससे हमें भी पता चले कि पहाड़ की ठंड आप तक पहुँची है या नहीं। यहाँ आप स्कीइंग देख रहे हैं, एमेचर यानी कि जो प्रारंभिक लेवल की, जिसको फ़ोटो के लिए ही प्रयुक्त करते हैं ज़्यादातर, जिनको आती है तो कर सकते हैं। ज़्यादातर आपको एक गाइड दिया जाएगा और 200 से 600-800 रुपये जो टूरिस्ट कितने हैं उसके हिसाब से चार्ज किया जाता है, तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और ट्यूब राइडिंग भी कर सकते हैं। और साथ में मैं एक छोटी सी सलाह देना चाहूँगा कि ये रिवर है, यहाँ आप नीचे न जाएं, क्योंकि स्नो ज़्यादा होने पर यह स्लिपरी हो जाता है, तो नदी का पानी बहुत ही ठंडा है, इसलिए हाइपोथर्मिया हो सकता है, आपके जुरा वगैरह गीला हो सकता है। लेकिन लोकेशन बहुत ही प्यारी और मनोहारी और अप्रतिम सौंदर्य वाली है। और आपको मैं आगामी दिनों में आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा सोलांग वैली या हमता पास। सोलांग वैली में बर्फ़ हो जाएगी, कल ही एक मैंने स्नोफॉल प्रिडिक्शन का वीडियो डाला है, उसको आप देखिए कब कब स्नोफॉल होने वाला है, वो कन्फर्म होगा, मैं आज बता देता हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। सभी वीडियो के लिंक आई बटन पर भी मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और इंटरव्यू अब आपको मैं सुनाने वाला हूँ, और यदि आप यहाँ आए हैं तो अपना अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे उत्साहवर्धन के लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अब सुनिए हमारा नया सेशन इंटरव्यू। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गौरव। गौरव कहाँ से आप? पंचकूला। पंचकूला आपके फर्स्ट टाइम आए यहाँ से? हाँ जी फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम आपका एक्सपीरियंस है? हाँ जी। तो कैसा लग रहा है आपको सर यहाँ पे आते? मस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैम आपको इन्जॉय लग रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हो? चलो सर, और कुछ यहाँ आप बता सकते हो हमारे पब्लिक को कि आपको क्या यहाँ पे अच्छी लगी, क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी? तो खैर स्टार्टिंग है,
तो अभी बता नहीं पाएंगे इस चीज के बारे में, तो अभी तो एंजॉय ही कर रहे हैं सारा कुछ। एंजॉय कर रहे हैं मतलब फुल एंजॉय कर रहे हैं। फुल एंजॉय है। ओके सर, थैंक यू। ओके थैंक यू। रुपल सर, मैम आपको कैसा लगा यहाँ पे? फर्स्ट टाइम आपका एक्सपीरियंस है तो क्या आप शेयर कीजिए? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। फर्स्ट टाइम देखा आपने? फर्स्ट टाइम ही देखा है तो अच्छा। बाकी एक्टिविटी वगैरह स्केटिंग वगैरह की आपने? नहीं अभी कर रहे हैं। कर रहे हैं, चलो तब तो अच्छा है। कहाँ से वैसे मैम आप? अहमदाबाद से। चलो फर्स्ट टाइम ना लिया है। चलो।